नहीं बोला भाई, ये देखिए फटे फटे जींस खरीद सकते आपको, फटा नहीं है लेकिन डिजाइन है। चलिए अब हम डाल के लेके तरफ, क्या हो गया? वेलकम बैक टू माई चैनल जज़्बे हिंद। जज़्बे हिंद में मैं मोहम्मद वसीम अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जा रहे हैं शाहीन बाग से जामा मस्जिद, पूरा कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं सस्ते दामों पर। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ एंड तक। तो गाइस अगर आप नए हैं मेट्रो से जाना चाह रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि एक जो डिब्बा होता है वो महिलाओं का होता है, उस पर ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है केवल महिलाएं। यानी अगर आप मेट्रो पे सफ़र कर रहे हैं तो इसके आसपास अगर आप खड़े हैं तो वहाँ देख लीजिए कि कहीं महिलाएं की बोगी वहाँ पे ना हो, क्योंकि आप अगर उसमें घुस जाते हैं तो 200 रुपये तक का जुर्माना आपको लग सकता है। तो इसीलिए गाइस वहाँ पर आप पहले देख लें जहाँ आप बैठे हैं या कहीं पर हैं, तो आप सुनिश्चित कर लें कि वो महिलाओं का डिब्बा ना हो। धन्यवाद। तो गाइस हमारी मंजिल आ चुकी है, मेट्रो आ चुका है, अब हम इस मेट्रो पर बैठ के जामा मस्जिद नहीं जा रहे मेरे भाई, लाल किला जा रहे हैं। लाल किला भाई, जामा मस्जिद। तो गाइस हम मेट्रो में बैठ चुके हैं, मेरे साथ ये है जुनैद भाई, हम दोनों जा रहे हैं आज व्लॉगिंग पे, बने रहे हमारे साथ। मेट्रो अब एक घंटे का रास्ता है, एक घंटे हम यहीं पर बैठ जाएंगे, मेरे साथ जिन्हें भाई है। देखिए मेट्रो में आपको दिखा दें कि मेट्रो में सीट जो है खाली है, यानी जब से कोरोना वायरस आया है जब से लोग मेट्रो में सफ़र और यूँ कहें तो टूर बहुत ज़्यादा कम कर चुके हैं। देखिए कितना साफ सुंदर क्लीन मेट्रो है। तो गाइस हमारे साथ हो गया है बहुत बड़ा सीन, हमें उतरना था कालका जी और हम बातों में ऐसे रह गए कि हम उतर गए नेहरू इनकलेब। अब हमें फिर से पीछे जाना है कालका जी की तरफ और वहाँ से हम कश्मीरी गेट वाली मेट्रो को पकड़ कर जामा मस्जिद की तरफ जाएंगे। तो बताइए जुनैद आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ सफ़र करके, फर्स्ट लोग आप? भाई पहली बार तो जा ही रहा था, वसीम भाई ने पता नहीं कहा लिया यार, आपको तो पता था यार। तो हम बातों में इतना रह गए कि हमें यही नहीं पता चला कि कालका जी मेट्रो स्टेशन कब निकल गया। तो गाइस अब हम फिर से जा रहे हैं नेहरू इनकलेव से, तो अब हम जाएंगे कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो पकड़ने के लिए। तो हमें फिर से यहाँ से बोटैनिकल गार्डन के लिए रवाना होना है और फिर वहाँ से हम कालका जी के लिए मेट्रो पकड़ेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो भाई हमारी तो सोच लीजिए कि हम तो आगे आ चुके हैं, अब क्या करें, थोड़ी देर में भाई मज़ा आ रहा है यार, ऐसे करना यार। भाई आपको बता दूं यहाँ पर ऐसी हरकतें करना पर फाइन लगता है, 200 रुपए का जुर्माना आपको लगना पड़ेगा। तो गाइज हमारा मेट्रो आ चुका है, तो गाइज फाइनली हम कालका जी मेट्रो स्टेशन आ गए हैं, अब यहाँ से हम कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो पकड़ेंगे जो हमें जामा मस्जिद तक पहुँचा देगी। तो जुनैद आपको कैसा लग रहा है? भाई बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। गाइज मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं, ओल्ड फ़ोन अगर आपको बेचना है या सेल करना है कि यानी आपकी फ़ोन की क्या वैल्यू है, तो कालका जी मेट्रो स्टेशन पर आपको ये सुविधा मिल सकती है। आप पीछे देख सकते हैं, फाइनली हम जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर आ चुके हैं।
अब यहाँ से आपको हम दिखाएंगे। सो गाइस हम आ चुके हैं जामा मस्जिद, आपको हम ये बाजार दिखा दें। भाई कम नहीं करोगे कुछ? अरे यार टाइट भी नहीं तो। टाइट भाई ढीला हो रहा है इसका, अभी तो टाइट कर ही नहीं रखा। कितने का कर दोगे? 150 किलो अभी ले लूँगा। चल रहे भाई अभी ले लूँगा। तमाम मस्जिद इलाका जिनेद रिंग लाइट लेने के लिए जा रहा है। आओ और ज़्यादा महंगे भी पैसे दे दिए, मैं दे दूँगा पैसे की कमी है। आ जाओ कौन सा 750 चप्पल लेगा ये कितने का? ये अंकल कितने का? 60 रुपए का छोटा। 60 रुपए का भी मिल सकता है आपको, लेगा। फाइनली हम जामा मस्जिद पहुंच गए हैं। नहीं बना लो तो फाइनली हम जामा मस्जिद आ गए हैं। जामा मस्जिद ये देखिए, आपको बता दें कि जूता अलाउ नहीं है यहाँ पर, आपको जूते के भी पैसे रखने के देने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं जामा मस्जिद। ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। यहाँ पर अभी हम नमाज पढ़ेंगे, उससे पहले आपको हम पूरा जामा मस्जिद दिखा दें। ये देख सकते हैं बहुत बड़ी मस्जिद है ये, जिसे मुगल वंशों ने बनाया है। इसकी कारीगरी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाई गई है। आप देख सकते हैं बहुत पुराने ज़माने में बताया ही जाता है कि इनकी जो मीनार हैं इस पर सोने लगे हुए थे, जो अंग्रेज़ों ने निकाल लिया और देश लूट के भाग गए। यहाँ देख सकते हैं ये है वजू खाना दिल्ली के जामा मस्जिद का। मैंने वजू बना लिया है, अब आपको मैं दिखाऊंगा नमाज पढ़ के पूरा जामा मस्जिद। सो गाइस जामा मस्जिद में आप देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरती है इसकी। ये देखिए पूरा का पूरा जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद
बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मुग़ल बादशाह ने इसकी तामीर की। इस पे कुरान पाक की आयत भी नज़र आ रही होगी, आपको दिख रहा होगा, और इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, दिल्ली का जामा मस्जिद। आप अगर आएँ तो यहाँ पे वज़ू बना के ज़रूर नमाज़ पढ़ें, क्योंकि ये मस्जिद ही नमाज की तरफ तवज्जो दिलाने की लिए बनाई गई थी, क्योंकि मुग़ल बादशाह जो हैं अकबर। लाल किला आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। पहले के टाइम में मुग़ल बादशाह ने इसीलिए जामा मस्जिद की तामीर कराई थी कि लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने रब की इबादत करें। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक। अभी हम लाल किला भी जाएंगे, वहाँ की फुटेज भी आपको दिखाएंगे, वहाँ की कवरेज भी आपको दिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सो गाइस, शाहीन बाग से कुछ लोग हमें यहाँ पर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मस्जिद के तलबा हैं जो हमारी ही मदरसे के हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये हाफिज जो है फोटो खिंचवाते हुए। ये देखिए हमारे मस्जिद के भाई कहाँ बच्चे भी यहाँ पे दिखते हुए। और दिल्ली का जामा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे आप वजू बना सकते हैं, और ये यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के लिए आए हैं जी। देखिए, तो चलिए हम चलते हैं लाल किले की तरफ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मीनार टिकट काउंटर के लिए इस तरफ का इशारा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या पता हो। तो गाइस, वसीम भाई कपड़े लेते हुए। वसीम भाई कौन सा पसंद आया? ए हे वसीम भाई, जल्दी लो भाई, जल्दी लो यार। अबे अच्छा कलर तो है ये, अच्छा कलर तो है। अरे रुक जा, मैं बता रहा हूँ। अबे मैंने तो ऐसे कह दिया अच्छा कलर तो ये पसंद भी आ गया भाई। शर्ट भी ले ले एक भाई, शर्ट भी आ गया आपके पास है? Thank you.
भाई कपड़े ले लिए वसीम भाई ने, अब चल रहे हैं हम। ठीक है भाई, शुक्रिया यार। ये देखिए जुनैद भाई छोले भटूरे खाते हुए। जुनैद भाई स्माइल, तो फाइनली भाई बहुत भूख लग रही है हमें, तो हम छोले भटूरे खा रहे हैं। आप देख सकते हैं जुनैद भाई मसाला बोतल पीते हुए, हम भी पी रहे भाई मसाला बोतल। हम भी कैसा लग रहा है जुनैद? काम चलाओ के लिए ठंडा पानी पीने के हम आए थे, लेकिन जुनैद भाई साहब को नींबू पानी पसंद आया। कैसा लग रहा है जुनैद? अच्छा नहीं है भाई, आप ही की फरमाइश थी कि ठंडा पानी पीएंगे, ठंडा पानी नहीं मिला तो नींबू पानी सही निकलता ही नहीं है। कंचा भी देखिए, कंचा निकालने के कह रहे हैं कि निकलता ही नहीं। हमें जाना है उस तरफ और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जाम लगा हुआ है। हम सोच रहे हैं रेड लाइट हो तो हम इसको क्रॉस करें, लेकिन यहाँ पे तो रेड लाइट का जो सिस्टम है वो सब खराब हुआ। ये देखिए कैसे ये टूट गए, और ये देखिए एक चलान करते हुए ट्रैफिक पुलिस, ये देखिए ट्रैफिक पुलिस चलान करते हुए मौके वारदात पर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसका स्कूटी का फ़ोटो लिया जा रहा है और इसका नाम डिटेल लिया जा रहा है ताकि ऑनलाइन इनका चलान हो सके। चले अपन। तो गाइस लाल किला जाने का रास्ता यही है, देख सकते हैं आप। तो गाइस अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि लाल किला हम नहीं जा पाए क्योंकि टिकट काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एक घंटा लगेगा हमें उस लाइन में और हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम वहाँ पर एक घंटा बिताएं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। आपको दिखा दें पीछे ये लाल किला।